हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नॉट श्योर आपको पता है कि नहीं, लेकिन रिसेंटली इंस्टा ने अपना एल्गोरिदम चेंज किया। बिकॉज ऑफ दैट, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो और जो आपको फॉलो करते हैं, उनको एक दूसरे का कंटेंट दिखना बहुत ही कम हो गया, लाइक प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो। तो बिकॉज ऑफ दैट, जिन फोटोग्राफर्स को मैं बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, उनका कोई भी पोस्ट मुझे दिखा नहीं। तो मैं उनके प्रोफाइल पर गया एंड आई वॉज सो सैड टू सी दैट कि उन्होंने फोटोज़ डालना बंद कर दिया है, कम्प्लीटली स्टॉप, और दे हैव स्टार्टेड पोस्टिंग वेरी शॉर्ट रील्स, 20 सेकेंड 15 सेकेंड के रील्स डालना उन्होंने स्टार्ट किया। एंड वो रील्स में उनका जो पहले वाला चार्म था काम में, वो बिल्कुल भी नहीं है। दे आर सो मेन स्ट्रीम एंड इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि उनको फोटोज़ पे ना रीच मिल रहा था ना लाइक्स मिल रहे थे, सो दे स्विच फ्रॉम फोटोज़ टू रील्स। तो आई वॉज फोर्स टू थिंक दैट कि कैसे एल्गोरिदम ने उनको मेन स्ट्रीम एंड बोरिंग बनने पे मजबूर कर दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देर आर मेनी वेज इंस्टाग्राम इज किलिंग आवर क्रिएटिविटी। लेट्स लुक इन टू इट। अभी रिसेंटली मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे गया था, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड वाटरफॉल्स थे, और मैंने बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियोस लिए। लेकिन जब मैंने वो सब डाटा सिस्टम में कॉपी किया, तो आई नोटिस कि मैंने 90% फ़ोटोज़ वर्टिकल कंपोजिशन में लिए थे। बिकॉज मेरे मन में तो मैं वो फ़ोटो ले रहा था इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए, सो लाइक आई लिमिटेड माई सेल्फ टू वर्टिकल कंपोजिशन। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल में लेता, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं और ज़्यादा क्रिएटिवली कैप्चर कर सकता था, क्योंकि सभी चीज़ें तो वर्टिकल में कैप्चर नहीं होंगी। लैंडस्केप आप कैसे वर्टिकल में कैप्चर करोगे? तो आई कैन गेट इट कि इंस्टा पे पोस्ट करना है मुझे, मेरी थीम फॉलो करनी है, तो मुझे वर्टिकली कैप्चर करना है, दैट इज़ फाइन। लेकिन क्या मेरे खुद के नॉलेज के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, सीखने के लिए, मैं कुछ फ़ोटोज़ हॉरिजॉन्टल तो ले ही सकता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप थे जो मैं अगर वर्टिकल में लेता तो बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाता। तो नोइंगली अनोइंगली, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम्स इन्फ्लुएंस, आई कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द फोटोज इन वर्टिकल कंपोजिशन एंड लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू इन कंपोजिशन। तो वी हैव स्टार्टेड लिमिटिंग आवर सेल्फ्स टू समथिंग दैट वर्क्स, दैट गोज विद इंस्टाग्राम, एंड दैट ये भी सब हो रहा है सब अननोइंगली। लाइक मैंने वो खुद से नहीं लिए थे, मेरे दिमाग में वही चल रहा था बैकग्राउंड में कि मुझे ये डालने हैं इंस्टा पे, तो मुझे तो वर्टिकल कंपोजिशन में ही लेने पड़ेंगे। इंस्टाग्राम एंगेजमेंट मैट्रिक्स, दैट इज अल्गोरिदम। अल्गोरिदम से हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ बहुत चल रही है, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत रीच मिल रहे हैं, एंड द स्वीट वर्ड फॉर दैट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड की वजह से हम एक दूसरे के कंटेंट से कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके रील्स को, उसके पोस्ट को, उसके फोटो को इतने लाइक्स मिल रहे हैं, इतना रिच मिल रहा है। बट आई प्रे दैट यू डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। लेट मी एक्सप्लेन वाई। लेट से आपने 2-3 दिन का टाइम लेके एक बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाया, जिसमें आपको एडिटिंग एंड बहुत प्रॉपर तरीके से एडिटिंग किया, और आपको उसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिला, सीखने के लिए भी बहुत मिला। लेकिन एक दूसरा आपने टाइम पास के लिए एक रील बना दिया, और इट टुक यू 20 मिनट्स टू डू दैट, और दोनों को आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। लेकिन जिसमें आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, उसको कुछ भी लाइक्स नहीं मिल रहे, कुछ रीच नहीं मिल रहा है, एंड जो एकदम टाइम पास कंटेंट था जो आपने ऐसे डालने के लिए डाल दिया, वो बहुत ही अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा रीच हो रहा है। तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट टाइम? विल यू पुट दैट मच एफर्ट इन क्रिएटिंग समथिंग न्यू? आप नेक्स्ट टाइम से जो चल रहा है, जो बहुत ही वायरल हो रहा है, बिल्कुल उसको कॉपी करने का ट्राई कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ इंस्टा फेवरेबल कंटेंट एंड अल्गोरिदम लाइक्स दैट वर्क। तो नेक्स्ट टाइम से आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाओगे, जो किसी ने किया है और जो अच्छा लग रहा है सबको, यू विल ट्राई टू कॉपी द एग्जैक्ट सेम थिंग। एंड यू वोंट बिलीव, इंस्टा पे हैंडल है इंस्टा रिपीट करके, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इमेज अगर किसी ने फोटो लिया है, तो उसके सिमिलर सो मेनी पीपल हैव टेकन सेम फोटोज इन सेम प्रॉप्स, सेम लोकेशन, सेम कैमरा एंगल। तो आई एम नॉट सेइंग कि देर इज रॉन्ग इन लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन। इवन आई हैव डन, यू विल फाइंड मेनी इमेजेस विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवनस आर्ट, जिनका देख के मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनसे कुछ सीखा और बनाया। बट देर इज़ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग फ्रॉम टेकिंग इसेंस फ्रॉम समथिंग एंड कॉपिंग समथिंग पिक्सल टू पिक्सल, वेर यू डेफिनेटली डोंट लर्न एनीथिंग एंड यू डेफिनेटली
लूज योर ओरिजिनलिटी, विच मीन्स किसी ने कुछ अच्छा बनाया और वो एल्गोरिदम को अच्छा लगा तो सब लोग उसी पे कूद पड़ेंगे, सब लोग सिमिलर कंटेंट बनाएंगे, दे विल नॉट यूज देयर ब्रेन इवन 1% एंड क्रिएट द एग्जैक्ट सेम थिंग अगेन एंड अगेन. एंड दिस सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स आर टर्निंग अस इनटू सोशल अप्रूवल स्लेव्स. आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी. जब कोई आपको उसका काम दिखाता है, मे बी फोटोग्राफी और एनीथिंग एल्स, तो क्या आप उसका काम पहले देखते हो या उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड लाइक्स? आंसर दिस वेरी ऑनेस्टली एंड यू विल नो दैट हाउ मच वी क्रेव फॉर सोशल अप्रूवल. इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि PR कंपनीज और क्रिएटिव एजेंसीज आर्टिस्ट को नंबर ऑफ फॉलोअर्स के बेसिस पे अप्रोच कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर आर्टिस्टिक टैलेंट, और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स फिर उनको लेजी और रिपीटेटिव कमर्शियल वर्क करके भेज रहे हैं, विच इज़ लाइक स्प्रेडिंग एट वेरी फास्ट स्पीड. एंड रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट्स आर शेयरिंग अ लिंक ऑफ वेरी वायरल वर्क एंड आस्किंग टू क्रिएट एग्जैक्ट सेम रिप्लिका फॉर देम. बट ट्रस्ट मी गाइज, मोर फॉलोअर्स डज नॉट मीन गुड आर्ट. मैं ऐसे बहुत सारे हैंडल्स को फॉलो करता हूँ जो इंस्टा अल्गोरिदम टारगेटेड कंटेंट नहीं बनाते और जिनका काम इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन देयर जॉनर. तो इट डज नॉट मीन इफ समवन हैज़ मोर फॉलोअर मीन्स दैट ही इज़ डूइंग समथिंग गुड आर्ट और ही इज़ अ गुड फोटोग्राफर और गुड सिनेमाटोग्राफर. इट डज नॉट मीन दैट. बट आई कैन गेट इट. मैं समझ सकता हूँ कि वाई वी क्रिएट अल्गोरिदम टारगेटेड कंटेंट. क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो यही चाहिए कि वो चीज़ सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे फॉलोअर्स आए, बहुत सारे लाइक्स आए. बट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि जिसको आप एडमायर करते हो उसकी लेवल तक क्या आप ऐसा करने से पहुँच पाओगे इफ़ यू कीप कॉपिंग समथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर. और कुछ क्रिएट करते हो कि ये भी क्वेश्चन पूछो कि क्या ये पोस्ट कोई स्टोरी कन्वे कर रहा है, क्या ये मैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ या फिर मुझे इससे कोई लॉन्ग टर्म नॉलेज गेन हो रहा है, और आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर फॉलोअर्स एंड लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम. क्योंकि अगर लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपलोड एनी स्टूपिड स्टफ़ एंड यू विल गेट मोर फॉलोअर्स एंड लाइक्स. एंड बिलीव मी, अगर वो स्टफ़ अगर स्टूपिड रहेगा तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स एंड लाइक्स आएंगे. आई थिंक आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे तो मैं भी कुछ अच्छा डांस अभी यहाँ पे करूँगा आपके सामने. जस्ट गिव मी अ मिनट. आपको सच में लगा कि मैं डांस करूँगा? कम ऑन, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.